आज लाला मूसा की तारीख का एक बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिन है। बहुत अरसे से पूरे पाकिस्तान से मतलूब माची गैंग को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है, ये देखें मेरे हाथ में है, मेरा 15 लाख रुपए चला गया था। गुजरात पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मुदस्सर इकबाल, DSP, बिल्कुल फ्रेश लाला मूसा में अपॉइंट हुए हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई, ये थोड़ा सा बताइएगा इसके बारे में कि ये किस तरह से ये ट्रेस आउट हो रही, किस मालियत की इन्होंने डकैतियाँ वगैरह की और कब से मतलूब थे पुलिस को ये? असल में ये इसमें कुछ लोग जो है ना, वो पहले सबका रिकॉर्ड जाफ्त हैं, चोरियां और डकैतियां करते रहे, वो जेल में गए और जेल से जो बाहर आए तो जैसे कहा जाता है जी हमारी जेलें जो हैं वो जराइम की यूनिवर्सिटी हैं, तो यहाँ आके उन्होंने एक गैंग ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े साइंटिफिकल तरीके से उनमें औरतें शामिल की और मुख्तलिफ इलाकों के जो लोग तजर्बाकार थे, इवन सिंध से भी लोग इसमें 2-3 शामिल थे, एक औरत थी और 2 मर्द थे, गुजरांवाला से लोग शामिल थे, मंडी बहाउद्दीन से। तो ये किराए पे मकान लेते थे, तो पहले अपना टारगेट सेट करते थे, उसकी रैकी करते थे, फिर उसके बाद वारदात करते थे, रोड पे खड़े होकर वारदात करते थे, जो भी फैमिली आती थी या कोई ऐसी गाड़ी आती थी जो जिसको ये निशाना बना सकते थे उसको निशाना बनाते, वहाँ से कैश ले लेते, सोना ले लेते, और ये इनका तरीका वारदात था। कुछ अरसा एक जगह ये वारदात करते, उसके बाद वो मकान शिफ्ट कर लेते, किसी और इलाके में शिफ्ट हो जाते और फिर वहाँ पर जाके सारी वारदातें कर देते। सर, इनसे रिकवरी तकरीबन किसके कितने परसेंट हुई है? और एक ताजर भी मैंने देखा है कि वो भी काफ़ी खुश हैं, उनकी भी रिकवरी हुई है। इस तरह जितने दूसरे लोग हैं वो भी आप तक रसाई हुई है, उन तक आपकी के जिन जिन की वारदात हुई हैं? अच्छा, ये तो बड़े लकी हैं कि क्योंकि इनकी 100% रिकवरी हो गई है, इसलिए ये खुश हैं। बाकी लोगों की भी तकरीबन हमने जो 50% से ज़्यादा रिकवरी की है, और पाकिस्तान में 50% रिकवरी काफ़ी अच्छी रेशो होती है, तो इसमें कुछ मोटरसाइकिल हैं वो तो 100% रिकवरी है, सारे मोटरसाइकिल हमने बरामद किए, 9 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं, इसके अलावा 20.5 लाख कैश अभी तक बरामद हो चुकी है और उम्मीद है कि अभी और हम बरामदगी करेंगे, क्योंकि रिमांड भी हमारे साथ डाला, हाईलैक्स एक लोडर रिक्शा है और 9 मोटरसाइकिल हैं, तो मजीद रिकवरी जारी है, हमारी इंटरोगेशन जारी है, उम्मीद है कि मजीद रिकवरी हो जाएगी। न्यूज़ अलर्ट के तवसल से कोई पैगाम दे दें उन लोगों को जो अपना किराए का घर जो है वो बगैर पुलिस में अंदराज करवाए दे सकते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? अच्छा, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उस आवाम का जो हमारे साथ तावन कर रही है और उस कानून पे अमल कर रही है, वो अपना किराएदारी जो है वो अंदराज करवाती है, रजिस्टर्ड करवाती है जाकर पुलिस स्टेशन में, इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। तो जो कुछ परसेंट लोग रहते हैं, कुछ लोग तो इस वजह से रहते हैं कि उनको पता नहीं है इस चीज़ का, उनको ये मैं मैसेज दूंगा कि आप वो कानून जो है उसको मद्देनज़र रखें, उसको पढ़ लें, जब भी कोई किराएदार आपके पास आता है उसके पूरे कवायफ लें, उसको साथ लें और थाना में जाकर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि कल को अगर किसी क्राइम में वो मुलव्वज़ पाया जाता है तो फिर आप पे कोई हरफ नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ वही ज़िम्मेदार होगा। अगर आप उसका अंदराज नहीं करवाएंगे तो फिर जुर्म में आप उतने शरीक होंगे जैसा तो वो मुजरम होगा। तो काइंडली अपने आप को, अपनी फैमिली को एम्बेरसमेंट से बचाएँ, किसी मुश्किल से बचाएँ, जब भी कोई किराएदार आए तो उसका अंदराज जाके थाना में ज़रूर करवाएँ। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है डिंगा के रिहायशी मोहम्मद शहबाज, ये वो खुश नसीब है जिनकी तकरीबन कमोबेश 1.5 माह पहले डकैती इसी माची गैंग के हाथों हुई, और ये वो खुश नसीब है कि जिनकी टोटल रिकवरी, बहुत कम ऐसे होता है लेकिन इनकी पूरी रिकवरी जो है 15 लाख रुपए, वो सारे के सारे इनके हाथ में, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि कब आपकी डकैती हुई और आप कहाँ पर जा रहे थे और कैसा फील कर रहे हैं कि ये आपको पैसे मिल गए? 20 मई को मैं निकला हूँ जी घर से, जुमा वाला दिन हम जाते हैं लाहौर शॉपिंग के लिए, अरिया वाला के करीब पहुँचा तो डाकू और मसल्ला थे, वो उन्होंने मुझसे गाड़ी पे थे पैसे, हाँ जी मैं अपनी गाड़ी अब जाती उस पर गाड़ी में था, तो उन्होंने मुझसे 15 लाख रुपया कन पॉइंट पे लूट लिया था। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या किया? उसके बाद हमने थाना सदर में एप्लीकेशन दी, सही है। तो उन्होंने कहा जी आपने परेशान नहीं होना, उन्होंने हमारी रिकवरी करवाई है, हम शुक्रिया अदा करते हैं DPO गुजरात का, DSP लाला मूसा का और ख़ास तौर पे हम सदर गुजरात SHO का। पुलिस का भरपूर तावन रहा है, बहुत अच्छा तावन हुआ है, मैं सोच भी नहीं सकता कि इतनी जल्दी हमारी रिकवरी होनी थी, हमारी रिकवरी हो। ये पंजाब पुलिस के बारे में बंदे कुछ नेगेटिविटी की बातें करते हैं कि वो काम नहीं करती, आपको क्या लगा जब आपके हाथों में ये ऊपर करें ना, ये इतना कैश है, इसको देख के क्या आप कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस की कैसी कारकर्दगी? मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है, ये देखें मेरे हाथ में है, मेरा 15 लाख रुपया चला गया था, हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमें दोबारा मिलेगा, लेकिन गुजरात पुलिस ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया है, SHO सदर साहब ने, उन्होंने हमारा बहुत अच्छा तावन करके हमारे पैसे रिकवर करवाए। ये थी आज की एक मिसाली कारकर्दगी पंजाब पुलिस की। मेरे साथ मौजूद हैं ASI नवाज़, जिन्होंने बेहतरीन जानफिशानी से
अपनी जान की परवाह ना करते हुए एक बेहतरीन गैंग माछी गैंग को ना सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि सारी की सारी जो है उनसे रिकवरी भी करवाई। और आज कुछ लाला मूसा के और कुछ डिंगा के जो ताजर हैं वह खुशी से निहाल हैं और पंजाब पुलिस की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। नाज़रीन, जुर्म जितना भी हो, मुजरम जितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती ऐसी कर जाता है जिससे वो कानून की गिरफ्त में आ जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान इरफान अदरीस को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ अलर्ट गुजरात।